दोस्तों, योर मोस्ट मोस्ट वेलकम है। तो अपनी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने जो शुरू कर रखी है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए तो आज का काउंटडाउन शो हम स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, तमिल कलम इज द ओल्डर नेम ऑफ तमिलनाडु और केरल। वर्तमान में जो तमिलनाडु है और केरल है, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो तमिल कलम के नाम से इसको जाना जाता था। संगम लिटरेचर गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट, तो जो संगम लिटरेचर है दक्षिण भारत में जो तमिल साहित्य लिखा गया है वो हमें किसकी जानकारी देता है? साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत की भी जानकारी देता है। संगम लिटरेचर वाज हेल्ड इन द सिटी, अर्थात संगम जो लिटरेचर है उसकी जो मीटिंग थी वो किस शहर में हुई है? मदुरई। मदुरई शहर के अंदर तीन संगम लिटरेचर हो चुके हैं। अगला यहाँ पर है, द चोल्स रूल्ड इन द, जो चोल थे वो शासन करते थे कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा अर्थात जो कावेरी नदी का जो क्षेत्र है, जहाँ डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर ये लोग शासन करते थे। और डेल्टा के बारे में आप सभी जानते हो, जब एक नदी ट्रायंगल से बनाती है उसको हम डेल्टा कहते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसके बारे में जरूर लिखेंगे। अगला है, द चोल्स पोर्ट सिटी बाद, चोल्स पोर्ट सिटी बाद, जो चोल्स थे उनका जो बंदरगाह था कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम उनका सबसे मेन बंदरगाह था जहाँ से वो व्यापार करते थे। बंदरगाह आप सभी जानते हो शिप के माध्यम से जहाँ पर ट्रेड किया जाता है, तो कावेरीपट्टनम उनका सबसे मुख्य पोर्ट सिटी था, तर बंदरगाह था। द एम्बलम ऑफ द चोल्स वाज, चोल राज्य का जो राजकीय चिन्ह था उसकी हम बात करते हैं, टाइगर। टाइगर उनके राज्य का प्रतीक माना जाता था। द कैपिटल ऑफ द चेराज, अर्थात जो चेर थे उनकी राजधानी थी वन जी, ये उनकी कैपिटल हुआ करती थी। चेराज फेमस पोर्ट वाज, जो चेराज थे उनका फेमस पोर्ट था अर्थात फेमस बंदरगाह था मुजरिस। ये आप देखेंगे मुजरिस, MUZRIS, मुजरिस उनका फेमस पोर्ट सिटी था। नेक्स्ट है, द पांड्यास किंगडम वाज फेमस फॉर, जो पांडे रूलर थे वो किस लिए फेमस थे? पर्ल्स, PEARL, पर्ल्स मोतियों के लिए भी ये जाना जाता था पांड्यास को, बहुत अधिक यहाँ पर इनके राज्य में पर्ल्स पाए जाते थे। पर्ल्स का मतलब होता है मोती। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी वाज द रूलर ऑफ, तो यहाँ पर आएगा सातवाहन डायनेस्टी। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश के राजा थे? तो सातवाहन डायनेस्टी आप कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, द बुक मिलान दो पानो बहुत फेमस पुस्तक है, ये रिलेट्स टू बुद्धिस्ट रिलीजन। ये जो पुस्तक है ये बौद्ध धर्म से रिलेट करती है। इसके जो राइटर हैं वो अननोन है, अर्थात ये फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी, लेकिन इसके लिखने वाला कौन राइटर इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी ये जो पुस्तक है ये बुद्धिस्ट धर्म अर्थात बौद्ध धर्म से रिलेट करती है। नागसेन वाज ए, नागसेन क्या थे? बुद्धिस्ट फिलोसफर अर्थात बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे नागसेन। संत एस टी थॉमस विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द, तो गोंडोस फ्रंस, यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ड है गोंडोस फ्रन, ये राजा थे उनके समय के अंदर एस टी थॉमस साहब भारत में आए थे और इन्होंने काफ़ी अधिक जो क्रिश्चियन रिलीजन है उनका यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द पर्शियन केम टू इंडिया फ्रॉम, जो पर्शियन थे वो भारत में आए थे, ईरान से आए थे। नेक्स्ट है, द मॉडर्न नेम ऑफ पुरुषपुर, जो मॉडर्न नेम है पुरुषपुर, पुरुषपुर को आज वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? पेशावर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है उस नाम से जानते हैं। तो पुरुषपुर का वर्तमान नाम है पेशावर। द मोस्ट फेमस कुशाणा रूलर वाज, कुशाण डायनेस्टी का सबसे मोस्ट फेमस जो रूलर था वो कनिष्क था। कनिष्क वाज ए फॉलोअर ऑफ, जो कनिष्क था वो किस धर्म को मानता था? तो कनिष्क वाज ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध धर्म को वो मानता था, बौद्ध धर्म में उसकी बहुत गहरी आस्था थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कश्मीर। देखिए बौद्ध धर्म के अंदर चार बौद्ध संगतियां हुई हैं, चार बौद्ध संगतियां मतलब चार बौद्ध धर्म के अंदर सम्मेलन हुए, और जो चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ है वो कनिष्क ने ऑर्गेनाइज करवाया था, और कहाँ करवाया था? कश्मीर के अंदर करवाया था। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बायोग्राफी होती है जीवनी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है, बायोग्राफी में कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में लिखता है। तो हु रोट द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्धा की बायोग्राफी किसने लिखी है? तो यहाँ आप करेंगे अश्वघोष ने बुद्धा की बायोग्राफी को लिखा है। अश्वघोष रोट ए बुक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष रोट ए बुक बुद्ध चरित्र। अब ये आप ध्यान रखेंगे, अश्वघोष ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? बुद्ध चरित्र, याद रखेंगे बुद्ध चरित्र। ए हेडलेस स्टेच्यू ऑफ कनिष्क इज इन, कनिष्क का एक हेडलेस अर्थात बिना सर का एक स्टेच्यू मिला है, जो वर्तमान में कहाँ रखा है?
मथुरा म्यूजियम, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ जो म्यूजियम है उसके अंदर रखा हुआ है। अब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज, कि भारत का जो राष्ट्रीय म्यूजियम है वो कहाँ पर है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। द सिल्क वॉज मेड बाई द, जो सिल्क था एक थ्रेड धागा था वो सबसे पहले किसने बनाया था, तो आंसर आएगा चाइनीज, अर्थात चाइनीज लोगों ने सबसे पहले बनाया था। तो आप इसको आंसर चाइनीज भी कर सकते हैं, आप चाइनीज रखेंगे इसका आंसर, आप चाइनीज ही करेंगे। अगला यहाँ पर फाइयान एंड हेनस्वांग केम फ्रॉम, अब ये दोनों ही विद्वान थे, कहाँ से आए थे, चाइना से आए थे। बेसिकली ये भारत में इसलिए आए थे ताकि जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध की जो होली प्लेस हैं अर्थात उनको देखने के लिए, और भारत में यहाँ रहे थे और यहाँ भारत में लोगों ने काफ़ी स्टडी भी की थी। दोनों याद रखेंगे, फाइयान एंड हेनस्वांग केम फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट है फाइयान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, ये आए थे चंद्रगुप्त सेकेंड के समय के अंदर। हेनस्वांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय आए थे। हर्षवर्धन को आप हर्ष भी लिख सकते हैं या हर्षवर्धन भी कर सकते हैं, तो हर्षवर्धन के समय के अंदर आए थे हेनस्वांग। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे दूसरे देशों से, तो नालंदा यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, नालंदा यूनिवर्सिटी वर्तमान में कहाँ है, बिहार के अंदर है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की सीरीज लेकर मैं आपके लिए फिर आता रहूँगा।